हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है और आज हम लोग करने वाले अपना संडे Q&A। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आए और मैं पूरे क्वेश्चंस को जो है जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो बनाने के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्वियसली मैं उनको नहीं ले पाऊंगा, तो सॉरी उसके लिए बहुत अगर किसी का क्वेश्चन इसमें से मिस आउट हो गया तो। लेकिन तो पूरे क्वेश्चंस की पूरी आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अपना Q&A वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ अब्दुल शकूर मंसूरी का क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? मैं हैदराबाद से हूँ। iPhone 6 32GB या 6s 32GB, इन दोनों में से कौन सा अच्छा फ़ोन है प्लीज़ बोलो। 6s 32GB ऑलवेज बेटर देन 6 32GB। जीबी का छोड़ दो, स्टोरेज का छोड़ दो, 6s जो है वो 6 से एक बेटर फ़ोन है, बहुत ज़्यादा बेटर फ़ोन है। उन यूट्यूबर्स की बात, रिव्यूअर्स की बात मत सुनो जो बोलते हैं 6 और 6s में सिर्फ कैमरा का और 3D टच का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है 6 और 6s में। तो 6s के लिए आप जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिल का। भाई यहाँ खाली एप्पल वाले कमेंट्स कर सकते हैं, हम एंड्रॉयड वाले गरीब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप जो है बिंदास एंड्रॉयड से रिलेटेड भी कमेंट्स कर सकते हो। अभी मैं अपना चैनल का जो फोकस है पूरा आईफोन्स पे रख रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी चैनल नहीं है और आईफोन्स वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वीडियोज़ की, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन एंड्रॉयड के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उसका आंसर दे पाऊंगा तो ज़रूर आपको दूंगा, सो प्लीज़ डोंट माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजिक ऑफ टेक्नोलॉजी रोशन रंधावा की तरफ से। ये पूछो है, सर मुझे बताइए कि मैं 35,000 में कौन सा यूज्ड आईफोन लूँ, या फिर आईफोन 7 प्लस लूँ या 7 लूँ, या कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन ले लूँ। 35,000 में अगर आपको आईफोन 7 प्लस मिलता है 128GB वाला, अगर आप परचेस कर सकते हो तो वो लीजिए। यूज्ड में बहुत अच्छा फ़ोन है, आपको बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी, कैमराज भी अच्छे, सब कुछ अच्छा है। अदरवाइज 128GB के लिए भी आप जा सकते हो। एंड्रॉयड फ़ोन्स उस रेंज में जो है मुझे कोई भी पसंद नहीं 35,000 की रेंज में, और 7 और 7 प्लस 128GB वाले फ़ोन जो है आपको एनी टाइम 35,000-40,000 के रेंज में, जितने एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, ZenFone 5Z क्यों ना हो या फिर आपका OnePlus 6 क्यों ना हो, उससे बेटर है फ़ोन्स, एनी टाइम बेटर फ़ोन्स है आईफोन 7 और 7 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय साहनी का, बोलते हैं आई वॉन्ट टू नो अबाउट आईफोन SE प्लस, आई एम यूजिंग आईफोन SE एंड हाउ मच मनी यू गेट फ्रॉम यूट्यूब, आई वॉन्ट टू बिकम यूट्यूबर। सबसे पहला क्वेश्चन, इनका आईफोन SE प्लस नाम का कोई स्मार्टफोन अभी है नहीं और ना लॉन्च होने वाला है। SE 2 भी जो आने वाला था वो अभी के लिए फिलहाल कैंसिल है, तो अभी SE 2 भी सेप्टेम्बर में मोस्ट प्रॉब्ली नहीं आएगा, 99% जो है SE 2 भी नहीं आएगा। और दूसरा इनका सवाल जो है कि हाउ मच यू गेट मनी यू गेट फ्रॉम यूट्यूब, यूट्यूब की ऐसी एक पॉलिसी है कि हम लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम लोग एग्जैक्टली कितना अर्निंग्स करते हैं यूट्यूब से, बट इतना बता देता हूँ आपको, आज इतने सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 50,000 के ऊपर और इतने सारे व्यूज़ भी आते हैं, बट उतने हिसाब से जो है अच्छी खासी अर्निंग नहीं है जिससे एक इंसान अपना घर चला ले। ये बस ऐसा ही है कि एक साइड बिजनेस की तरह आप यूट्यूब को कभी भी कीजिए, अगर आपको यूट्यूब करना है तो आप उसको अपना फुल टाइम करियर मत बनाइए, इनिशियली तो बिल्कुल मत बनाइए, मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाहता, आपको मोटिवेट ही करना चाहता हूँ, बट आपको बता रहा हूँ जितना आप इनपुट देते हो उतना आउटपुट आपको इनिशियली नहीं मिलेगा। हो सकता है साल भर बाद, 2-3 साल बाद आपको उतना रिटर्न्स आने लगे कि आप यूट्यूब पर पूरा फोकस कर ले, लेकिन यूट्यूब की कोई गारंटी नहीं, कभी भी आपका चैनल जो है वो यूट्यूब टर्मिनेट कर सकता है। बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत गाइडलाइंस है, सोच समझ के अपना टाइम और मनी इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और मनी तो मैं बोलूँगा बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए, आपके स्मार्टफोन से ही आप वीडियो बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक जाकोटिया का, ये पूछते हैं सर CellBuddy वाले अपने सर्विस एप्पल सर्विस सेंटर से कैसे माल लेते हैं, एंड न्यू आईफोन 10 में 20K का डिफरेंस रहता है, इतना मार्जिन तो कंपनी रिटेलर को भी नहीं देती, फिर इतना सस्ता कैसे बेचते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन। CellBuddy कैसे माल लेता है? एप्पल सर्विस सेंटर से लेता है, लोगों से लेता है, दूसरे स्टोर से लेता है, या कैशिफाई जैसे वेबसाइट से लेता है, ये उनकी अपनी बिजनेस पॉलिसी है। कोई भी अपना सोर्स जहाँ से वो फ़ोन्स ख़रीदते हैं वो ऐसे डिस्क्लोज नहीं करता, आपको कोई बताएगा नहीं सोर्स कहाँ से है। ऑब्वियसली वो उनका बिजनेस है, उन्होंने एक सेटअप किया है, उन्होंने कॉन्टैक्ट्स बनाए हैं, वो लोग बल्क में फ़ोन परचेस कर सकते हैं, इसलिए शायद उनको जो है वैसे रेट्स में फ़ोन मिलते हैं और कम मार्जिन रख के वो आपको बेचते हैं, इसलिए आपको जो है उस टाइप के फ़ोन उतनी अच्छी कंडीशन में, मैंने खुद लिया हूँ, ये देखिए यहाँ पे आईफोन 6s प्लस है, बहुत अच्छी कंडीशन में, 99% इसकी बैटरी लाइफ है आज भी, और ये उन्होंने मुझे 22,500 में दिया, उसके बारे में वीडियो भी बनाया हूँ। तो ऐसा रहता है सिस्टम, कोई भी अपना जो बिजनेस का पॉलिसी है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। तो मेरा खुद का स्टोर होता तो मैं आपको बता देता, बट मेरा स्टोर नहीं है तो मैं आपको इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। ऋषिकेश गौर का क्वेश्चन है, सर आपका फर्स्ट फ़ोन कौन सा था और तुम क्या काम करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो? मेरा फर्स्ट फ़ोन अगर आप पूछेंगे तो था नोकिया का 7610, ये एक उस टाइम का सिम्बियन OS पे चलने वाला फ़ोन था, बहुत महंगा फ़ोन था, अच्छा फ़ोन था, मेरे अंकल जो है मेरे लिए सऊदी से लेके आए थे, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन था, ये मेरा फर्स्ट फ़ोन था। और मैं हमारा फैमिली बिजनेस है उसके अंदर ही मैं काम करता हूँ, मैं जॉब नहीं करता ऐसे कोई अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनीत दुबे वन प्लस फैन की तरफ से, ये पूछते हैं भाई वन प्लस के फ़ोन सेकेंड हैंड कहाँ पर अच्छे मिलेंगे, बाय द वे लव योर वीडियोज़, थैंक यू सो मच।
और सेकेंड हैंड फोन्स अगर आप मुंबई का पूछ रहे हो, मुझे मुंबई के बारे में पता है, सही वैल्यू करके एक स्टोर है बांद्रा में स्टेशन के करीब, वहाँ पे आप जाके वन प्लस के सेकेंड हैंड फोन्स ले सकते हो। डोंबिवली अगर आप जानते हैं तो डोंबिवली में भी एक नमस्ते मोबाइल करके है, यूज मोबाइल डील का फेसबुक पेज भी है, वहाँ से भी आप जाके जो है वन प्लस के फोन्स अच्छे रेट में सेकेंड हैंड ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस अशरफी का, ये पूछते हैं नबील भाई मैं कह रहा हूँ आप आईफोन 10 सबसे सस्ता अच्छा रहेगा या महंगा वाला, मतलब मेरे हिसाब से इनका क्वेश्चन ऐसा है, मैं समझ तो नहीं पाया ठीक से, बट अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो आपका क्वेश्चन ये है कि 64 GB वाला लूँ या 256 GB वाला। ऑब्वियसली अगर आपका पैसा है, आपका यूजेज है उतना, आप अपने फोटोज वीडियोज वगैरह लेते हैं तो 256 GB वाला जो है आईफोन 10 आपके लिए बेटर रहेगा, यानी कि महंगा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहबाज शेख की तरफ से, ये पूछते भाई मुझे आईफोन 10 लेना है रुक जाओ या फिर आईफोन के न्यू सेल फोन आने का वेट करो और ग्रेट वीडियोज हमारे, थैंक यू सो मच भाई। आप रुक जाइए आईफोन 10 में अभी जो है करेंटली इतना नया ले रहे हैं, अगर आप तो इतना पैसा मत लगाइए, आप थोड़े दिन रुक जाइए, सितंबर की बात है, एक महीना भी नहीं है, एक पूरा 30 डेज भी नहीं है, आपको नया आईफोन मालूम पड़ जाएगा क्या प्राइस रेंज है क्या नहीं, अगर आपके बजट में वो आता है आपको बेटर डील मिल सकती है उसमें, और अगर उस टाइम पे आप आईफोन 10 लेंगे तो हो सकता है आपको जो पुराना स्टॉक है वो थोड़े कम दाम में मिल जाए, तो थोड़ा रुक के लेना बेटर और समझदारी वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक सिंह का, नबील भाई मैक के ऊपर वीडियो बनाओ। जी ज़रूर मैं पूरी कोशिश करूंगा बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेख करीम का, अस्सलाम वालेकुम आपका फर्स्ट मोबाइल कौन सा था, किस एज में आपने अपना पहला मोबाइल लिया और आपकी फर्स्ट फ़ोन कौन सा था, फर्स्ट आईफोन कौन सा था। ओके तो मेरा पहला मोबाइल जैसे मैंने बताया नोकिया 7610 था, मेरा पहला आईफोन SE था और अभी भी आईफोन SE है, मैं उसे शूटिंग कर रहा हूँ, मैं यूज़ करता हूँ उसको रेगुलर बेसिस पे, और भी आईफोन है यहाँ पे, आईफोन 7 है, 6S प्लस है, और भी मेरे जो दूसरे वीडियोज़ में आप देख सकते हो, पर मेरा पहला आईफोन SE था और मैं उससे पूरी तरह से प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा फ़ोन है, बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है। कौन सी एज में मैंने पहला फ़ोन लिया, मेरे अंकल ने मुझे सऊदी से ला के दिया था, उस टाइम पर मैं 12th स्टैंडर्ड में था या फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज में था, तो उस टाइम पे मेरे को पहला फ़ोन मिला था। शेख करीम का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आईफोन 10 2018 आने के बाद क्या आईफोन 10 2017 मॉडल बंद हो जाएगा, बहुत पॉसिबिलिटी है कि बंद हो जाए, क्योंकि 2018 वाला मॉडल भी जो आने वाला आईफोन 10 का वो भी 5.8 इंच वाला ही OLED स्क्रीन वाला है, तो शायद ये वाला मॉडल बंद कर दे क्योंकि सिमिलर प्राइसिंग होगा, तो शायद हो सकता है बंद कर दे, अभी तो रूमर्स यही बोल रहे कि बंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑसम विकी का, ये पूछते हैं ब्रदर मुझे आईफोन 6 16 GB लेना है, 10,000 में मिल रहा है, 6 मंथ ओल्ड है, बिल बॉक्स है, सब है, पर ग्लास सारा सा क्रैक है, बट फोन देखने में ब्रांड न्यू है, मत लो आईफोन 6 काफ़ी पुराना है, ले सकते हैं आप ऐसी कोई बात नहीं, बट 16 GB बहुत कम है, एटलीस्ट अगर आपको लेना है तो 32 GB वाले के लिए, और क्रैक स्क्रीन वाला फ़ोन आपको क्यों लेना है 10,000 रुपये, मतलब 16 GB वाले के लिए तो ठीक ही है, बट क्रैक स्क्रीन है तो मत लो आप उसको, वही बेटर रहेगा आपके लिए। लक्ष्मीकांत मुंडे ये बोलते हैं कि हाई नबील भाई आई रियली लव योर वीडियोज, थैंक यू सो मच लक्ष्मीकांत मुंडे जी, और एक्चुअली आई वॉन्ट टू नो वॉट इज द पॉसिबल, इज इट पॉसिबल दैट टू डाउनलोड एनी कंटेंट इन आईफोन विदाउट यूजिंग iTunes, मैंने इस पर वीडियो बनाया हूँ, डॉक्यूमेंट्स नाम का एक ऐप है उससे आप कर सकते हो, और भी थोड़े ऐप्स हैं उसकी मदद से आप कर सकते हो इंटरनेट से चीज़ें डाउनलोड, और इफ़ आई वॉन्ट टू अपग्रेड फ्रॉम iOS 11.2 टू 11.4 देन इज इट मस्ट दैट आई नीड वाईफाई। देखिए मैं बताता हूँ आपको, एकदम सिंपल मेथड है, बहुत सारे मेथड्स है जिसमें आप वाईफाई के बिना भी कर सकते हैं, एक सिंपल बताता हूँ, अगर आपको जियो का नेट है या आपका एयरटेल है वोडाफोन है जो भी, आपको 4G से करना है डाउनलोड, 4G तो एटलीस्ट आपको लगेगा स्पीड उतनी लगेगी क्योंकि अपडेट का फाइल जो है सॉफ्टवेयर का बड़ा रहता है, आप क्या कर सकते हो आपके पास एक फ़ोन है कोई भी फ़ोन हो उसमें आप वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिए, उसका डेटा इस्तेमाल कीजिए और अपने आईफोन को अपडेट कर लीजिए, बहुत सिंपल है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है हाई स्पीड वाला तो आप इस तरीके से किसी का भी डेटा लेके आपका सिम कार्ड दूसरे के मोबाइल में लगा लीजिए, हॉटस्पॉट ऑन कर लीजिए और आप अपना सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, कुछ कॉम्प्लेक्स जो है चीज़ों में आपको जाने की जरूरत नहीं। विपुल जोन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोलते हैं वीवो नेक्स या ओप्पो फाइंड एक्स कौन सा बेस्ट है, बहुत ही नाजुक फ़ोन्स है दोनों, इसमें मोटराइज सिस्टम दिया हुआ है यहाँ से जो कैमरा बाहर आता है ओप्पो फाइंड एक्स का ऊपर से आता है, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इतना पैसा डाल के ओप्पो या वीवो का फ़ोन लीजिए, कोई नहीं पूछने वाला इन फोन्स को थोड़े दिन के बाद, और ओप्पो फाइंड एक्स तो बहुत ही नाजुक फ़ोन है, मतलब उसका बैंड टेस्ट आप देख सकते हो यूट्यूब पे, ऐसा करने से ही टूट गया, मतलब दोनों फ़ोन में से अगर आपको कोई लेना है वीवो नेक्स या ओप्पो फाइंड एक्स, आपने दिमाग बना ही लिया कि इन दोनों में से लूँगा, तो मैं बोलूँगा आपको वीवो नेक्स के लिए जाइए, क्योंकि एवरी टाइम आपका ओप्पो फाइंड एक्स जो है उसका पूरा ऊपर का सिस्टम बाहर निकल गया अंदर जाएगा, और वीवो नेक्स में एटलीस्ट आपको मतलब वो केस वगैरह तो आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हो, ओप्पो फाइंड एक्स तो बहुत ही नाजुक फ़ोन है, आप बेटर है कि अगर ये दोनों का आप दिमाग बना चुके हो तो वीवो नेक्स के लिए ही जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रोहन शेट्टी, भाई बेस्ट सिम नेटवर्क फॉर इन लोकल एरियाज विच इज़ इट, तो आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ऑल ओवर इंडिया जो है एयरटेल बहुत अच्छा चलता है, लेकिन मैं जहाँ पे रहता हूँ हमारे टाउन में एयरटेल का नेटवर्क ही नहीं है, मतलब घर में भी नहीं है और बाहर भी नहीं है, और मैं एक जगह पे ट्रैवल करके जाता हूँ वर्क के बेसिस पे, तो वहाँ पे मुझे
जियो का नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, वोडाफोन का नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर आप लोकल लोगों से पूछिए, आपके फैमिली मेम्बर से पूछिए कि कौन सा नेटवर्क जो है बेस्ट आता है, और वो आप सिम ले सकते हो लोकल एरियाज़ में, आपके लोकल एरियाज़ में जो है। अदरवाइज मेरे को जितना पता है कि ऑल ओवर इंडिया एयरटेल का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, हमारे यहाँ पे करेंटली जियो का बहुत अच्छा नेटवर्क है, वोडाफोन का अच्छा नेटवर्क है, और एयरटेल का नेटवर्क बहुत ख़राब है हमारे यहाँ पे। तो आपके एरिया पे जो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क अच्छा होगा। चंपत भाई पूछते हैं कि आईफोन 6s प्लस यूज्ड वर्सेस मी नोट 5 प्रो, आंसर प्लीज़ भाई। देखिए यहाँ पे आईफोन 6s प्लस है मेरे पास, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, बहुत पावरफुल फ़ोन है, ये यूएसजी का केस लगाया हुआ है मैंने, तो ये iPhone 6s Plus बहुत ज़्यादा सुपीरियर फ़ोन है Redmi Note 5 Pro से, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं। लोग बोले कि A9 चिपसेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, 3D टच है, अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले है, 16:9 मुझे बहुत अच्छा लगता है, 18:9 लोगों को पसंद आता होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक सिक्योर फिंगरप्रिंट स्कैनर है, iOS है, सबसे बड़ी बात ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला आपको कैमरा मिलता है रियर में, बढ़िया कैमरा है। Redmi Note 5 Pro का आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखिए और iPhone 6s Plus से कंपेयर करो, आपको खुद पता चल जाएगा सच्चाई क्या, ये क्वालिटी चीज़ है, क्वालिटी हार्डवेयर है, आपको अपडेट्स आते रहेंगे कंटिन्यूसली, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बोलूँगा आईफोन 6s प्लस आपको मिलता है, आग बंद करके ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माधवन। नबील भाई, आई नो यू लव iOS डिवाइसेस, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो विच आर योर फेवरेट एंड्रॉयड फोन्स। ठीक है, तो 20K, 40K और 70K का इन्होंने बजट बताया है। 20K के अंडर जो है, अगर मेरे को नया एंड्रॉयड फ़ोन लेना ही है तो मैं जाऊंगा Redmi के फ़ोन्स के लिए, Redmi के जो Note 5 Pro है या Mi A2 है, मुझे मतलब ठीक लगते हैं वो फ़ोन्स, वैल्यू फॉर मनी है जो 20K के अंदर। बाकी सारे फ़ोन जो एंड्रॉयड में हैं वो लोग मतलब उतना टॉप नॉच परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट डे टू डे यूजेज में, जो नॉर्मल स्टिल फोटोग्राफी है एटलीस्ट उसके लिए, तो Redmi के फ़ोन्स अच्छे हैं। 40K की अगर आप बात करते हो तो मैं बोलूँगा आपको सैमसंग गैलेक्सी S8 जो है आज की तारीख में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 38,000 के करीब आपको 35-38 में मिल जाएगा नया, तो गैलेक्सी S8 के लिए ये क्वालिटी चीज़ है। 40,000 अगर पे कर रहे हो, इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, आप जाके वन प्लस वगैरह पे, मैं तो वन प्लस में बिलीव ही नहीं करता हूँ, हालांकि वो बहुत अच्छा हार्डवेयर देता है, सब कुछ अच्छा है उसके अंदर, लेकिन आप सोचिए आपने फ़ोन लिया इतना सारा पैसा डाल के और 6 महीने बाद उसका नया वर्जन लॉन्च होता है और ये वर्जन का प्रोडक्शन ही स्टॉप हो जाता है, क्या वैल्यू रह जाती है आपके फ़ोन की और क्या सर्विस देता है आपको वन प्लस। जबकि गैलेक्सी S8 मुझे बहुत पसंद है, अगर आप 40K स्पेंड करना चाहते हो तो क्वालिटी वाली चीज़ लीजिए, आप सालों साल जो खुश रहेंगे, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 ईयर तक आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, उसके बाद आपको प्रीमियम फील भी आएगी और लोगों को समझ में भी आएगा आपका सैमसंग का फ़ोन है और उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अच्छा है और काफ़ी सिक्योर फोन्स होते हैं। और 70K अगर मुझे डालना है एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर तो आई विल ऑलवेज गो विद द सैमसंग फ़ोन, या तो मैं नोट 9 के लिए जाऊंगा अभी करेंटली जो आया है, या S9 प्लस के लिए जाऊंगा, मुझे करेंटली S9 प्लस जो है काफ़ी अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम शजान हुसैन, ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आई हैव आईफोन 7 प्लस, शुड आई गो फॉर आईफोन 10 और वेट टिल सेप्टेम्बर फॉर न्यू लॉन्च। मैं आपको बोलूँगा वेट टिल सेप्टेम्बर, आईफोन 7 प्लस आपके पास ऑलरेडी है, iPhone 10 जो है बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल फ़ोन है, एकदम नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला उसका डिस्प्ले है, उसकी वजह से उसका जो 5.8 इंच वाला फॉर्म फैक्टर है, उसका जो सरफेस एरिया है स्क्रीन का, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे 5.5 इंच वाला डिस्प्ले है और ये iPhone 7 4.7 इंचेस वाला डिस्प्ले है, तो ये 4.7 इंचेस वाला जो डिस्प्ले है उतना ही आपको, या 4.8 इंच का आपको वीडियो देख सकते हैं आप उसके अंदर 4.8 इंचेस का, क्योंकि बाद में तो नॉच आ जाता है, नॉच उसको वीडियो का आधा खा जाएगा, आपको वैसा एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो बेटर है कि आप रुको, आप जब इतना पैसा डाल रहे हो, इफ़ यू आर पुटिंग 1 lakh rupees ऑन अ फोन iPhone 10 के लिए अभी, तो आप रुक जाइए, सितंबर में नए फोन आएंगे, आप देखिए उसमें से जो आपको बेटर लगे, उसमें 6.1 इंच वाला भी मॉडल है, 6.5 इंचेस वाला भी मॉडल है, वो आप ले सकते हो। 7 प्लस के बाद आप iPhone 10 पे जाएंगे, आपको स्क्रीन काफ़ी छोटा महसूस होगा और टच आईडी भी आप मिस करेंगे, टच आईडी तो अभी हमेशा आपको मिस ही करना पड़ेगा, नया कोई भी iPhone लेंगे तो आने वाला नहीं है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली। तो इंद्रेश हनी का क्वेश्चन है, CellBuddy वाले इतना सेकेंड हैंड आईफोन कैसे सेल करते हैं अकॉर्डिंग टू अदर शॉपकीपर, OLX में भी इससे सस्ता आईफोन नहीं मिलता। OLX में तो क्या है, अभी मेरा फ़ोन है, मैंने उसको कोट किया, समझो मैं अगर उसकी मार्केट वैल्यू 35,000 में 40 डाल सकता हूँ, 45 डाल सकता हूँ, फिर मैं नेगोशिएट करूँगा, बागेन करूँगा, ऑब्वियसली एक शॉपकीपर जो होता है उसके पास उतना टाइम नहीं होता कि एक एक फ़ोन जो है वो डाले और नेगोशिएट करे 5,000-5,000, अगर उसको बल्क में बेचना है तो, अगर उसको ठीक है दिन का 2-3 मोबाइल बेचना है तो वो अलग बात है। CellBuddy अभी एटलीस्ट हमारे वीडियो के बाद मैं शॉर्ट आउट बोल देता हूँ, बहुत ही बड़ा नाम हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब ऑलमोस्ट 7.5 lakh व्यूज़ फर्स्ट वीडियो आए, बाद में 50,000 व्यूज़ आए, तो बहुत ज़्यादा वो लोग को सेल्स भी हुआ, वो लोग का फ़ायदा भी हुआ हमारे वीडियो से, और वो लोग को बल्क में वो लोग सेल कर पा रहे हैं, तो वो लोग मार्जिन जो है कम रख सकते हैं,
और वो लोगों को एक मार्केट में पकड़ भी बनाना है। अगर आपको मार्केट में पकड़ बनाना है तो आपको क्वालिटी वाली चीज़ एकदम अफोर्डेबल प्राइस में देना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रख के। तो अगर दूसरे दुकान वाले भी प्रॉफिट मार्जिन को कम रखते हैं तो वो लोग ये कर सकते हैं। इसमें कोई फेक प्राइसिंग वाली बात नहीं है कि 30,000 का मोबाइल है तो 15,000 में बेच रहे, ऐसी बात नहीं है। अगर 30,000 मार्केट में रेट चल रहा है किसी फ़ोन का यूज्ड में, तो वो लोग अगर 28 में या 26 में बेच रहे हैं, मतलब वो लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन कम रख रहे हैं। अगर वो लोग 500 रुपये भी रख के बेच रहे हैं, वो लोग अपना नाम कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत चीज़ है। मैंने उनसे ये फ़ोन ख़रीदा हूँ और आई एम सेटिस्फाइड विद इट। आप लोगों को भी लेना है तो आप लोग चेक करके ले सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप आँख बंद करके लीजिए क्योंकि यूज्ड फ़ोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फरमान्स वर्ल्ड। ये बोले अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे पास आईफोन 10 है एंड उसकी क्रोम पर स्क्रैचेस प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ कोई सोल्यूशन दे और अच्छा सा कवर भी सजेस्ट करें। सबसे अच्छा कवर आईफोन 10 के लिए या कोई भी आईफोन के लिए मैं जो पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आईफोन 6s प्लस के लिए ये UAG का केस है, एकदम मजबूत है, पूरा रबराइज, इस पर मैंने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो चैनल में। और आईफोन 10 के लिए बहुत अच्छा केस आता है, महंगा आता है, अगर आप लेने जाएंगे तो 3,000-4,000 की भी कीमत हो सकती है। मुझे 1,000 रुपये में मिल गया डील में अमेज़ॉन पे, तो आप अमेज़ॉन पे चेकआउट कर सकते हैं। और क्रोम पे, क्रोम नहीं है एक्चुअली, वो स्टेनलेस स्टील है, उस पर स्क्रैचेस आएंगे ही, स्टेनलेस स्टील पे स्क्रैचेस आते ही है, उसके लिए आप कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको बस कैरी लेना पड़ेगा अपने फ़ोन का, तो कुछ नहीं कर सकते आप। पार्थ बिश्नोई का क्वेश्चन है, प्लीज़ टेल मी वायरलेस ईयरफोन्स फॉर एंड्रॉइड फोन्स और शुड आई बाय एप्पल एयरपॉड्स। मत लो एप्पल एयरपॉड्स एंड्रॉइड फ़ोन के लिए, ये मेरा सजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन Apple AirPods का iPhone 7 एंड अबव के लिए बहुत अच्छा है, आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिलेगी, 5 आवर्स की जो क्लेम्ड है, उसके पहले के Apple के जो फ़ोन्स है उसके ऊपर अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी, और Android के साथ भी उसकी कोई अच्छी बैटरी लाइफ नहीं मिलेगी, और सस्ते नहीं है, काफ़ी महंगी चीज़ है। आप जो है किसी दूसरे ब्रांड के वायरलेस ईयरफोन्स के लिए जाइए, Amazon पे बहुत सारे हैं, आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पे जब मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता था, मेजू के ईयरफोन्स का स्पोर्ट्स वाले ब्लूटूथ वाले मैंने रिव्यू किया, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स है वो। गेमिंग टेक का क्वेश्चन है, हाउ टू रिपेयर आईफोन सॉफ्टवेयर। तो आप फैक्ट्री रीसेट करो और हो जाएगा आपका जो भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आप फिर एप्पल केयर में जाके दिखा सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपको सॉफ्टवेयर फिर से इंस्टॉल करवाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उनका ये है, 2018 में मी A1 लू क्या, रेडमी का शाओमी का जो मी A1 है वो लू क्या। तो ले सकते हो आपको, अगर यूज मिल रहा है, अच्छी डील में मिल रहा है, 10,000 के अंदर 7-8 हज़ार में मिल रहा है, तो आप ले सकते हो, अच्छा है, एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम पे है और स्टिल फोटोग्राफी के लिए कैमरा अच्छा है, बोके इफेक्ट वगैरह अच्छा आता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अहमद बादशाह, ये पूछते हैं Zenfone 5G और OnePlus 6 में कौन सा अच्छा है। मैं Zenfone 5G पर्सनली लेने वाला था, मैंने सोचा भी था लूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जब 27-28 हज़ार रुपये एक फ़ोन के लिए डाल रहा हूँ, मतलब जिसका कोई ब्रांड वैल्यू भी नहीं है और सॉफ्टवेयर भी है, पता नहीं अपडेट्स कितनी जल्दी आएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और आईफोन 10 का रिप ऑफ है, मतलब पूरा कॉपी का कॉपी है, तो कुछ उसकी ओरिजिनलिटी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो चीज़ छोड़ दिया। और OnePlus 6 भी जो है सैमसंग के S9 प्लस का एक टाइप का कॉपी है, सामने से आईफोन का कॉपी है, मुझे इस टाइप के कॉपी वाले फ़ोन्स पर्सनली मैं सच में पसंद नहीं करता, तो मैंने Zenfone 5G का प्लान ड्रॉप कर दिया। मैंने आईफोन 6s प्लस लिया हूँ 64GB वाला, मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं भी आपको बोलूँगा अगर आप यूज्ड में लेना चाहते हैं तो 7 प्लस वगैरह आप ले सकते हो, ये रेंज में आ जाएगा आराम से 30,000 में। अगर आपको नहीं लेना है, यूज़ नहीं लेना है, तो ये दोनों में अगर आपको लेना है तो Zenfone 5G लीजिए, वो भी अच्छा फ़ोन है और लेटेस्ट प्रोसेसर है, चिपसेट एकदम अच्छा है। मी A2 और Honor Play में से कौन सा अच्छा है, मेरी अगर पर्सनल प्रेफरेंस आप बोलेंगे मी A2 लूँगा, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड है और अपडेट्स आने का भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के ऊपर है, लेकिन Honor Play भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फनी वाइंस की तरफ से, नबील भाई प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, मेरे पास आईफोन 7 32GB है, ऑस्ट्रेलिया iCloud लॉक वाला सेट है, मैंने YouTube पे बहुत सारा सर्च किया बट अनलॉक नहीं होता, YouTube पर एक भाई कहते हैं कि iCloud अनलॉक करना इम्पॉसिबल है, iCloud अनलॉक करना इम्पॉसिबल है, आप नहीं करा सकते हो थर्ड पार्टी से, आपको एक ही ऑप्शन है, एक ही तरीका, या तो आप Apple आपका iCloud अनलॉक करके आपको दे, आप प्रूफ दे, नहीं कर सकते हो, यू हैव टू चेंज द मदरबोर्ड, आपको आपके आईफोन का मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी चेंज हो जाएगा उसके साथ, वही आपका iCloud अनलॉक होने वाला है, अदरवाइज कोई लीगल वे नहीं है, इलीगल वे नहीं है, होने ही नहीं वाला। आप तो यहाँ कहीं भी आपके पैसे जो है बर्बाद मत कीजिए। स्वरूप कुलकर्णी का क्वेश्चन है, सर क्या आईफोन में हॉटस्पॉट होता है। बिल्कुल स्वरूप, आईफोन में हॉटस्पॉट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये हॉटस्पॉट वाला सिंबल है, ये जो ग्रीन लाइट आपको दिख रही है ये हॉटस्पॉट वाला है, सेटिंग्स में भी आप कर सकते हो उसको एक्सेस, और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में जाके भी आप हॉटस्पॉट ले सकते हो, तो कोई इसमें इशू नहीं आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव रजौरिया ऑफिशियल, हाई ब्रो आई नीड एयरपॉड्स, बजट 4,500 का है तो बताओ ना प्लीज़, मैं बोरीवली में रहता हूँ। गौरव भाई 4,500 का आपका बजट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एयरपॉड्स मिल सकते हैं, यूज्ड मार्केट में आपको देखना पड़ेगा, OLX पे देखना पड़ेगा या कोई स्टोर में देखना पड़ेगा, स्टोर वाले इतने कम में आपको प्रोवाइड शायद नहीं कर पाएंगे, तो बेटर यू गो विद द वे ऑफ OLX, और OLX पे जाइए आप ढूंढिए,
मिल जाएगा आपको बार्गेन करके, हो सकता है किसी को जरूरत नहीं होगी तो 4,500 में आपको दे देगा। शिवम द्विवेदी का क्वेश्चन है, भाई आपने जहाँ सेकेंड फोन की वीडियो बनाई थी वो कैश ऑन डिलीवरी कब से शुरू करेंगे अदर सिटी में? कुछ जगहों पे मतलब कर रहे हैं वो कैश ऑन डिलीवरी, अभी आज ही मेरी बात हुई उनसे कि गुजरात के लिए स्पेशली दे हैव स्टार्टेड कैश ऑन डिलीवरी 500 लेके कुछ कर रहे हैं वो लोग, तो वही उसका आंसर दे सकते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो लोग कुरियर पार्टनर की तरफ से, कुरियर वालों के भी बहुत सारे जो है रहता है उसमें, वो लोग कुछ बता रहे थे मुझे कि इमीडिएट वो लोग जो कैश आपसे कलेक्ट करते वो लाके उनको नहीं देते और 10 दिन के लिए रखते हैं उनके पास कैश, और बहुत सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन है जो उनको थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा है, और ऑलरेडी उन लोगों का जो सेल्स है काफ़ी अच्छा हो रहा है तो शायद इसीलिए हो सकता है लोग कैश ऑन डिलीवरी शुरू नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसिफ मलिक का, सेलबडी पे भरोसा कर सकते क्या? मुझे iPhone 6s 120GB लेना है। मैंने भरोसा किया है, मैंने खुद पर्सनली एक फ़ोन लिया है, मैंने उनको बोला है और भी फ़ोन मुझे लेना है, तो मैं तो भरोसा किया मैंने और मेरा भरोसा जो है कायम है। लेकिन आपको मैं बोलूँगा, मैंने तो पूरा सीरीज़ बनाया हूँ कैसे यूज़ फ़ोन लेना है, कैसे चेक करना है, क्लोन कैसे पहचाने, ओरिजिनल कैसे पहचाने, हर चीज़ मैंने बताया हूँ। तो आप भरोसा करना है, लेकिन आपको अपना चेक करके लेने की ज़रूरत है। आपको जो फ़ोन लेना है आप खुद चेक करना चाहिए, आप किसी पे आग बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, ना मुझ पे कर सकते, ना सेलबडी पे कर सकते, ना किसी और स्टोर पे कर सकते। यूज्ड फ़ोन ले रहे हैं आप, नया फ़ोन ले रहे तो अलग बात है, नए फ़ोन में भी कभी कभी धोखा हो जाता है कि फ़ोन की जगह जो है ऑनलाइन आपने ले लिया और कुछ और आ गया, बिस्किट आ गया, साबुन आ गया, वो सब अलग चीज़ है बट वो सॉल्व हो जाती है। बट यूज में आप लेते हैं रिस्क तो रहता ही, आपको चेक करके लेना चाहिए। निशात शेख का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहे iPhone 6s लेना चाहिए या नहीं 2018 में? मैंने 6s के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा फ़ोन है। 6 के लिए मैं थोड़ा मना करता हूँ, 2018 में मत लीजिए, थोड़ा हार्डवेयर पुराना है, लेकिन 6s अच्छा है, केपेबल है, iOS 12 भी अच्छे से चला लेगा। आमिर खान टेक्नो पॉइंट बोलते क्या iPhone 6 2018 में लेना चाहिए और क्या बजट फ़ोन है? iPhone 6 2018 में अगर आप यूज लेते हो तो लेना चाहिए, नया लेते हो तो नहीं लेना चाहिए, यही मेरा आंसर है। अनस सहेल का क्वेश्चन है, प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या iPhone 7 या 6 में कौन सा लेना होगा प्लीज़? iPhone 7 ऑब्वियसली 7 लीजिए या फिर 6s लीजिए, 6 को भूल जाओ, 7 या 6s में आप जाइए। 7 जो है काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बहुत मॉडर्न फ़ोन है, 6 के साथ कोई कंपैरिजन नहीं, 6 से बहुत बेटर है, सिर्फ दिखने में जो है 6 से सिमिलर है, बाकी 7 जो है वेरी गुड फ़ोन। निशान निक का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सर रूमर सुना हूँ कि iPhone 10 का प्रोडक्शन बंद होने वाला है, हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है, अभी मैंने भी यही रूमर सुना हूँ, हो जाएगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागेश सराते की तरफ से, ये पूछा क्या मैं मेरे एसेट को आपके यहाँ iPhone से एक्सचेंज कर सकता हूँ प्लीज़ रिप्लाई? मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, सेलबडी पे आप कर सकते हो कि नहीं, तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं, आप फिर भी सेलबडी वाले से एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मेरे ख्याल से गैलेक्सी एसेट वो आपसे ले लेंगे, क्योंकि सैमसंग के प्रीमियम कुछ फ़ोन्स होते हैं उनके पास कभी कभी आते हैं, पर रेगुलरली उनका जो बिजनेस है वो iPhones का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद अफसर का, भाई आपके कितने चिल्ड्रन हैं? तो मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन महेश का, ये पूछ रहे हैं कि iPhone 5s और iPhone SE में कौन सा बेटर है? iPhone SE बहुत बेटर है, बहुत मॉडर्न फ़ोन है, iPhone 5s बहुत पुराना फ़ोन है, ठीक है आपका बजट 5s का तो आप 5s ले सकते हो, अदरवाइज 5s और SE में आपको चूज़ करना है तो ऑब्वियसली SE बहुत अच्छा फ़ोन है, सिर्फ दिखने में एक जैसा है लेकिन बाकी कुछ भी एक जैसा नहीं उन दोनों में। गाजी शेख का क्वेश्चन है अगला, हाय भाई आपसे एक बात पूछना है कि क्या iPhone 7 Plus को जेलब्रेक कराना बेटर रहेगा या नहीं? इसे कराने के क्या बेनिफिट्स है और क्या नुकसान होंगे? iPhone को ब्रेक कराना, जेलब्रेक कराने के फायदे यही है कि आप बहुत सारे ऐप्स जो है वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, आप बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हो, लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हैं। एक तो आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है क्योंकि एप्पल का कंट्रोल थोड़ा आप हटा रहे हो उसके ऊपर से, और जैसे एंड्रॉयड में रूट होता है वैसे ही आईफोन में जो है जेल ब्रेक होता है, और दूसरा नुकसान ये है कि आपको सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मिलेगा जो एप्पल का ओवर दी एयर आता है, आप कर सकते हो मैन्युअली डाउनलोड बट ये सब चीज़ें हैं, और आपकी एप्पल की अगर वारंटी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका देवी, ये पूछती है भाई सेलबडी वाले जो प्राइस में मोबाइल क्यों नहीं सेल करते जो आपने बताया था और अपने वीडियो में, और ये क्या मुंबई के बाहर डिलीवरी? पहले मैं आपका एक क्वेश्चन लेता हूँ, सेल क्यों नहीं करते? जैसे उनके पास स्टॉक आता है जो कंडीशन का जो प्राइस में वो खरीदते हैं उस पर ऑब्वियसली अपना थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख के वो बेचेंगे, डिपेंड करता है टाइम पे, हो सकता है मेरे वीडियो में बताए हुए प्राइस से कम में भी बेचे, ज़्यादा में भी बेचे, मैंने उसके बाद एक अपडेटेड वीडियो भी बनाया जो नया स्टॉक उनके पास आया था उसका जो प्राइस था पिछले वीडियो से 500, 1000, 1500, 2000 ऐसे अलग अलग रेंज में ज़्यादा था, तो कम ज़्यादा होता था यूज मार्केट में कभी भी सेम। आज ये फ़ोन मेरे पास है, मुझे जो प्राइस में मिला है समझिए मुझे 30,000 में मिला है, मैं 31 में इसको बेचता हूँ, कल मुझे यही फ़ोन सिमिलर कंडीशन वाला या उससे थोड़ी बेटर वाला 31 में मिले तो मैं इसको 32 में बेचूंगा, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि दे आर चीटिंग, ये यूज मार्केट है उसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, अप डाउन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई के बाहर डिलीवरी करते हैं कि नहीं? करते हैं बट
फुल एडवांस पेमेंट के साथ करते हैं, कुछ जगहों पे कैश ऑन डिलीवरी शायद उन्होंने शुरू किया है, आप चेकआउट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। अगर सेलबडी से फ़ोन परचेस करूँ तो क्या मुझे भी फ़ोन को चेक करने की, ऑब्वियसली आपको चेक करना ही चाहिए, यूज्ड फ़ोन है, यू आर बाइंग ए यूज्ड फ़ोन, आपको चेक करके ही लेना चाहिए, बिना चेक किए लेना ही नहीं है आपको यूज्ड फ़ोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप धीमन का, ऑसम वीडियो सर जी, थैंक यू सो मच दीप, मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं, सब वीडियो ज़बरदस्त है, थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन है मेरा, अगर दुबई से आईफोन लेता हूँ तो हमें अनलॉक वगैरह करवाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आईफोन हमें सीधा दुबई से लेकर इंडिया में ऑन कर सकते हैं, दुबई में एक्टिवेट करवाना, दुबई से आईफोन लेंगे आप, वर्ल्ड में किधर से भी आईफोन लेंगे जो कि कैरियर लॉक्ड नहीं है, जैसे आप यूएस वगैरह से लेते हो तो टी मोबाइल, वेरिजॉन, ये सब कंपनीज है जो कैरियर लॉक कर देते हैं, मतलब उनसे ही फ़ोन खरीदते हैं वो टेलीकॉम ऑपरेटर से, जैसे इंडिया में वोडाफोन है, एयरटेल है, और उनका एक पैकेज रहता है, वहाँ से आप फ़ोन लेंगे तो वो आके इंडियन सिम पे नहीं चलेगा, आपको उसको फैक्ट्री अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन दुबई से जो आप फ़ोन लेते हो, जो स्टोर से खरीदते हो दुबई से आईफोन, तो उसको जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सील्ड बॉक्स भी इंडिया ला सकते हो, हो सकता है आपको कस्टम ड्यूटी पड़ जाए, अगर सील्ड लाओगे तो ओपन बॉक्स भी ला सकते हो और इंडिया में लाके इंडियन सिम के साथ उसको एक्टिवेट कर सकते हो, चालू करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ सैमसंग के फ़ोन में रीजन लॉक होता है, अगर आप दुबई से, सऊदी से, कहीं से भी आप सैमसंग का फ़ोन लेते हो, वहाँ का लोकल सिम डाल के आपको 5 मिनट तक यूज़ करना है, उसके बाद आप वर्ल्ड में कहीं भी वो फ़ोन यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल सा आंसर है, आईफोन में ये सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। स्ट्रीट डांसर्स का क्वेश्चन है, भाई सेलबडी की शॉप वाले रिफर्बिश स्मार्टफोन्स रखते हैं, क्या ये सच है, क्या ऐसा ही है? रिफर्बिश स्मार्टफोन्स मैंने नहीं देखा, मैंने उनके पास देखा वो रिप्लेसमेंट यूनिट, मतलब अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, मैं एप्पल में गया, एप्पल ने मुझे उसके बदले में नया फ़ोन दिया, मुझे वो फ़ोन नहीं चाहिए, मैंने जाके सेलबडी वाले को भेज दिया, एक फ़ोन मिलता है उनके पास, नए फ़ोन उनके पास मिलते हैं और उनके पास सेकेंड हैंड फ़ोन मिलते हैं, इतना मैंने देखा हूँ, अभी तक मुझे रिफर्बिश वाला फ़ोन नहीं मिला। अगर वो होगा तो आप पूछ सकते हो भाई कि ये रिफर्बिश फ़ोन है या नहीं, मुझे रिफर्बिश वाला नहीं चाहिए, तो आप वो चीज़ कंफर्म कर सकते हो अगर रिफर्बिश वाला है। लेकिन रिफर्बिश बहुत जगहों पे मिलता है, ईबे पे भी मिलता था, ईबे तो बंद हो गया अभी, रिफर्बिश आप एप्पल से भी ले सकते हो, तो रिफर्बिश का भी एक मार्केट होता है, अगर आपको लेना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं लेना है तो आप बोल सकते हो, तो ये आपको चेक करके लेना पड़ेगा। अरुण शर्मा का क्वेश्चन है, सर मेरे पास आईफोन 7 है, स्टार्टिंग में इट यूज़ टू टेक अराउंड 2 आवर्स टू गेट फुल चार्ज, बट अभी मिनिमम 4 आवर्स लगते हैं। देखिए अरुण भाई, आईफोन 7 मेरे पास भी है, 128 GB वाला, 32 GB वाला भी, एक ब्लैक वाला जो अपने वीडियोज़ में दिखाता हूँ हमेशा, कोई चार्जिंग का प्रॉब्लम हम लोग को नहीं आता है, एकदम अच्छे से चलता है फ़ोन। या तो आपका चार्जिंग केबल ख़राब होगा, चार्जिंग ब्रिक ख़राब होगा, जो चार्जर है आपका वो आप एक बार चेंज करके देखो, दूसरे चार्जर से चार्ज करके देखो कि उतना टाइम लगता है क्या। अगर लगता है, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आईफोन 7 आपके पास मतलब काफ़ी टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से है आपके पास, हो सकता है तो उसकी बैटरी जो है वो ख़राब होगी, आप बैटरी में जाके, बैटरी हेल्थ बीटा में जाके चेक कर लीजिए क्या है बैटरी का, और आप ये आईफोन आपका जो है ये एप्पल सर्विस में भी दिखा सकते हो। प्रॉब्लम तो मुझे ये लग रहा है कि आपका या तो चार्जिंग केबल का प्रॉब्लम है, चार्जर का प्रॉब्लम है, या फिर बैटरी का प्रॉब्लम होगा। बैटरी का प्रॉब्लम होगा तो आपको एप्पल केयर में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशन हेगड़े का, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का सबसे, कि ये मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, और रोशन हेगड़े भाई मेलेडी खाओ खुद जान जाओ, यही इसका आंसर है और कोई आंसर नहीं है इसका। मानव गुप्ता का अगला क्वेश्चन है, शुड वी एक्टिवेट दुबई सिम कार्ड फॉर आईफोन 10? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आओ इंडिया में, चालू हो जाएगा, जियो वियो सब चलेगा, सिर्फ सैमसंग में ही वो प्रॉब्लम है। मालती रायकवार बोलती है, सर आई एम थिंकिंग टू बाय एन आईफोन 10 बट आई कैन वेट फॉर मोर। हाँ आप रुकिए, और सेप्टेम्बर में आप जो है नए पेरेंट देख के आप आईफोन लीजिए। वीर सिंह भाई बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बाई आईफोन SE, इट विल बी माई वेरी फर्स्ट आईफोन, आई एम वेरी एक्साइटेड, और मैं कन्फ्यूज भी हूँ, सो इज गुड टू बाई, येस इट इज़ वेरी गुड टू बाई आईफोन SE, बहुत अच्छा फ़ोन है, नो इशूज़, अगर आप छोटे डिस्प्ले के साथ खुश है, फ्रंट फेसिंग कैमरा का रेजोल्यूशन कम है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बेहतरीन फ़ोन है आईफोन SE, 100 यूज़ के लिए मस्त फ़ोन है एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और जो है बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो ये था हमारा आज का संडे Q&A, थोड़ा लंबा वीडियो है, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आपके सेटिस्फैक्शन के हिसाब से मैंने आंसर दिया। अगर आपके बहुत अच्छे लाइक्स आए, आज भी बहुत सारे कमेंट्स आए, तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट संडे को भी एक Q&A रखेंगे। मैं कम्युनिटी टैब जो यूट्यूब का है उसमें क्वेश्चन अपना पोस्ट कर देता हूँ, आप लोग उसमें जो है अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, Q&A का एक पोस्टर आ जाता है उसमें डाल सकते हैं, और मैं संडे को जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आप लोग मुझे चाहिए तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।